नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। आज बिहार के प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजीव झा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि जिस तरह से बिहारवासियों ने सत्ता पक्ष को तथा विपक्ष को अपना जीवन संवारने के लिए इतने सालों का मौका दिया, अब वक्त है नए बदलाव का। उनकी पूरी प्रेस वार्ता में दिए गए वक्तव्य से यह बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि बिहार को अब बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहारवासियों ने सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबको बारी बारी से मौका दिया, पर इस मौके के बदले में उन्हें सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही मिला। अब चाहे वह बाढ़ घोटाला हो, चारा घोटाला हो, मेरिट घोटाला, टॉपर घोटाला, जल नल योजना घोटाला या सृजन घोटाला, जहां केंद्र को कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रबंधन को तैयार रहना था, तब केंद्र सरकार चुनाव प्रबंधन में लगी थी, जिसका खामियाजा भारत के साथ साथ बिहार को भी बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में बाढ़ अब एक आम समस्या बन गई है। 72 सालों के इतिहास में अब तक किसी ने भी बाढ़ की समस्या का पूर्ण निदान नहीं किया, उल्टा पार्टी के लोग बाढ़ आने का इंतजार करते हैं ताकि आपदा प्रबंधन से जो पैसे आए उसका बंदरबांट किया जा सके। वहीं उन्होंने कैबिनेट के अपने मंत्री के लगाए आरोपों कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग अफसरशाही अपनाते हैं और यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिना घुस के यहां काम नहीं चलता। जब भाजपा के खेमे के मंत्री ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो आम जनता का क्या कहना। इससे साफ जाहिर होता है कि राजनीति के नाम पर बिहार में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। उपलब्धि कुछ नहीं है, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जब सत्ता के लोग ही एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो जनता की कौन सुनेगा। उन्होंने आगे कहा कि आखिर किस आधार पर यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जनता से वोट मांगती हैं? बिहार आर्थिक दृष्टि से अंतिम पायदान पर खड़ा है। यहाँ चाचा भतीजे की जोड़ी ने मिलकर बिहार को चौपट कर दिया है। किसी के पास बिहार के विकास की कोई नीति नहीं है। यहाँ स्कूल है तो पढ़ाई नहीं, हॉस्पिटल है तो इलाज नहीं। जनता हर बार इस उम्मीद से इन राजनीतिक पार्टियों को मौका देती है कि शायद इस बार उनके हित में सरकार काम करेगी, पर हर बार उन्हें धोखा ही मिलता है। जंगलराज का डर दिखाकर एनडीए ने विपक्ष को सत्ता में आने से रोक तो दिया, लेकिन विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा पाए। इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजीव झा ने कहा कि अब वक्त है केजरीवाल साहब की सोच शिक्षित राष्ट्र, स्वस्थ व श्रेष्ठ राज्य को आत्मसात किया जाए, और पटना जिला कार्यकर्ता संवाद के कार्यकर्ताओं से यह अपील की है कि इसे आत्मसात कर बिहार से भ्रष्टाचार रूपी कचरे को साफ किया जा सके। उन्होंने कहा कि अभी यह एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिसका निदान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अब एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत के लिए पंचायती चुनाव में पार्टी सक्रिय रूप से हिस्सा ले और वैसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करे जो सचमुच ईमानदार व्यवस्था चाहते हैं। बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द बिहार 24 न्यूज के साथ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने देखा होगा कि नीतीश जी के अपने मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारे कैबिनेट के, हमारी सरकार के 80% मंत्री बेईमान हैं, वो बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। तो जो बात कल तक अपोजिशन कहती थी, जो बात जनता कहती थी, जो सवाल पत्रकार साथी पूछते थे, आज उनको अपने लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि एक मजबूत आवाज़ बनने की, सड़कों पर संघर्ष करने की और इनको चेतावनी देने की कि अब ये नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी आई और बहुत मजबूती से आपको इस तमाम मुद्दों पर संघर्ष करेगी, विरोध करेगी और जनहित के मुद्दों को उठाती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है संजीव जी, जहाँ बिहार में जातिगत राजनीति होती है वहाँ आप स्टेबल कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली की राजनीति अलग है, बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग है, आप यहाँ स्टेबल कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये जाति की राजनीति क्यों है, क्योंकि सब जाति की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सब कुछ बिल्कुल साफ था। दिल्ली में इसी चुनाव की बात करें, खूब कोशिश की कम्युनल लाइन पर चुनाव लड़ाया जाए, हिंदू मुसलमान बनाकर चुनाव को लड़ाया जाए, लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा कि जिसने काम किया हम काम के नाम पे वोट करेंगे। तो तमाम तरह के हेट कैंपेन को दरकिनार करते हुए दिल्ली की जनता ने मैसिव मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना। तो अगर आप विकास करते हैं, अगर आप विकास की बात करते हैं, तो हर कोई विकास चाहता है। ये बिहार में जाति की राजनीति इसीलिए हुई कि सभी पार्टियों ने जाति के नाम पे लोगों को ठगा है, लोगों को गुमराह किया, उसके नाम पे वोट किया है। भला ना तो किसी जाति का हुआ, ना समाज का हुआ, ना बिहार का हुआ। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है आम आदमी पार्टी अपने डेवलपमेंट के मॉडल को, केजरीवाल के मॉडल को आगे रखेगी तो बिहार की जनता उसके साथ खड़ी होगी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी आ रहा है कि दो बच्चे चुनाव, देखिए मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जो सरकार की मूलभूत काम है वो करना चाहिए। आपने देखा
कि जब अगर सेकेंड वेव कोरोना की ही बात करें, जिस तरह से केंद्र सरकार उस कोरोना के नियंत्रण में फेल हुआ, जहां जब चुनाव प्रबंधन कोरोना प्रबंधन करना चाहिए था चुनाव प्रबंधन में व्यस्त रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बेसिक जो मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है उससे डेविएट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए मुझे लगता है कि चेहरा इसी से इवॉल्व होगा। कोई अरविंद केजरीवाल जी ऐसा नहीं था, कोई चेहरा बन के आए थे, उन्होंने संघर्ष किया दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने उस पर दिल्ली की जनता उस पर विश्वास किए। मुझे लगता है कि जब हमारे साथी सड़क पर संघर्ष करते रहेंगे, इसी में से एक चेहरा निकलेगा और वो लोगों को पंचायती चुनाव में पार्टिसिपेट कराना है, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो चाहे वो मुखिया का चुनाव हो। मुझे ये लगता है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार ब्लॉक में है, जिस तरह का भ्रष्टाचार आज कलेक्ट्रिएट में है, तो अगर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के सिद्धांत विश्वास रखने वाले लोग जाएंगे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में काम किया, आज उस विकास के मॉडल की चर्चा पूरे देश विदेश में, लोगों से केजरीवाल मॉडल कहा, जिस मॉडल में लोगों को अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, सरकार ने इंश्योर किया कि उनको अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त होनी चाहिए, गरीब को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, गरीब को मुफ्त पानी मिलना चाहिए, घर घर लोगों को राशन पहुंचना चाहिए, तो तमाम ये एम्बिशियस योजना था कि किसी भी सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए घर बैठे सर्टिफिकेट बनाने की योजना की भी शुरुआत की गई। ये तमाम योजनाओं की शुरुआत हुई जिससे देश दिल्ली की जनता को फ़ायदा हुआ। और दिल्ली में ही बिहार के रहने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर दिल्ली में ये फ़ायदा हमें हो रहा है तो हमारे प्रदेश में भी ऐसी कोई सरकार हो जिससे फ़ायदा बिहार की जनता को हमारे परिवार को मिले। और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से संगठन का विस्तार कर रही है और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ बिहार की जनता को कि आम आदमी पार्टी जिस विकल्प का आप इंतजार कर रहे थे विकल्प के तौर पर आपके सामने आएगी। देखिए इस बात एक बात से मैं तो सहमत हूँ कि अफसरशाही बहुत बढ़ गई है और जब डेमोक्रेसी में अफसरशाही बढ़ जाए तो लूट खसोट ज़्यादा होता है और उसका कोई सुनने वाला नहीं होता। तो मैं ये मानता हूँ कि आज इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं से कहा भी है और इसीलिए हम पंचायत चुनाव लड़ भी रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या है, या तो ब्लॉक में या कलेक्ट्रिएट में, तो दोनों तरफ अब संघर्ष होगा, सड़कों पे भी और सिस्टम के अंदर भी। और यही कारण है कि हम लोग सड़क पर संघर्ष करने के लोगों को ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं और किस सिस्टम में के अंदर खड़ा करके लोगों का एक टीम तैयार करके सिस्टम के अंदर सुधार खत्म करने की मुहिम चलाएंगे ताकि आम जनता को बिना लिए दिए भी काम हो पाए। हाँ बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिला परिषद और मुखिया की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी को खड़ा किया जाए। पिछले 5 दिन से बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैं गया। मैं अपनी यात्रा पहले गोपालगंज से शुरुआत करी थी, गोपालगंज के बाद मैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, आरा, बक्सर होते हुए आज पटना में कार्यकर्ताओं से सम्मेलन किया। हमारा पहला उद्देश्य ये था कि हमारी अपनी संगठन की समीक्षा बैठक करें, क्योंकि अभी हमने अपनी कार्यकारिणी को भंग किया था, प्रदेश की कार्यकारिणी को भी और जिले की कार्यकारिणी को भी। तो कार्यकारिणी भंग करने के बाद हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर कार्यकर्ताओं समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाया जाए और क्या हमारी कार्य योजनाएँ होंगी और किस तरह से वर्तमान बिहार सरकार की जो नकारापन है उसको लोगों तक ले जाया जाए। बहुत विस्तार से चर्चा हुई, बहुत विस्तार से बातें हुई और अलग अलग जगह पे सभी ने बताया, लोगों ने भी बताया, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया। और आप सब लोग भी बेहतर जानते हैं कि पिछले 1 महीने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, जो अपना सुशासन बाबू कहते हैं, कुर्सी की जोड़ तोड़ में व्यस्त थे। पहले तो उनके केंद्र में कितने मंत्री बने इसको लेकर दिल्ली के अलग अलग दरवाजे खटखटा रहे थे। जानकारी ये भी मिली है कि चूंकि वो 4 मंत्री मंत्रालय मांग रहे थे, 1 मंत्री बनाया गया, तो बहुत नाराज़ हैं और इतने नाराज़ हो गए कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मंत्री बने उनको शुभकामनाएँ तक नहीं दी। अब बिहार में एक्सपेंशन होना है तो अब नाराज़ होने की बारी भारतीय जनता पार्टी की है, वो कह ज़्यादा मंत्री उनका बने।
तो पूरी जो रस्सा कस्सी है वो इस बात को लेकर है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा। बिहार की जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं पूर्वी चंपारण में गया, पश्चिम चंपारण में गया, सब ने यही कहा कि हमारे विधायक हमारे क्षेत्र में नहीं है, वो पटना में बैठे हुए हैं। अब बाढ़ का अभी जब जब हालांकि हर बार जब बारिश होती है तो बाढ़ एक आपदा की तरह आता है, प्रलय लेकर के आता है। दुर्भाग्य है बिहार का कि 72 साल में बाढ़ का कोई स्थायी निदान नहीं हो पाया। सुशासन बाबू के भी 15 साल हो गए लेकिन उन्हें बाढ़ का स्थायी निवारण कोई निदान नहीं कर पाए। उल्टा बाढ़ इनके लिए आपदा में अवसर की तरह है। सैकड़ों करोड़ रुपए जो आपदा नियंत्रण के नाम पे आता है उसकी बंदर बांट हो जाती है और उसके हिस्सेदार सभी अधिकारी मंत्री और विधायक होते हैं। तो ये सब तो इंतजार करते रहते हैं कि बाढ़ आए ताकि आपदा नियंत्रण का फंड के हिस्से हमें मिले। लोगों ने ये भी कहा कि शराबबंदी कानून की वाहवाही नीतीश जी खूब लूट रहे हैं, लेकिन शराबबंदी कानून के आड़ में एक पैरेलल नेटवर्क तैयार हो रहा है और उस नेटवर्क में इनके अधिकारी, इनके नेता, इनके मंत्री सब शामिल हैं। फर्क अब इतना हो गया कि शराबबंदी कानून के बाद जो शराब की दुकान से मिलती थी अब पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस थाने से मिल रही है। तो ये शराबबंदी कानून भी सोने के अंडा जैसा है कि जिसके हिस्से सबको मिल रहा है, इनके अधिकारियों को मिल रहा है, जैसा मैंने बताया इनके विधायकों को मिल रहा है, इनको मंत्री को मिल रहा है और खुलेआम शराबबंदी कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस बार जब चुनाव लड़ रहे थे नीतीश जी ने कहा कि अगर अपोजिशन वाली पार्टी आ जाएगी तो 15 साल का जंगल राज आ जाएगा। बिहार के लोगों ने उस जंगल राज को याद करके उस पार्टी को तो रोक दिया, लेकिन जब से नीतीश बाबू आए हैं क्राइम का रेट उससे ज़्यादा बढ़ गया है। और आप देखेंगे तो रोज़ लूट की घटनाएँ, रोज़ हत्या की घटनाएँ, रोज़ अपराध की घटनाएँ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आखिर मुख्यमंत्री इतने बेबस क्यों हैं या इतनी कुर्सी से प्यार क्यों है। मुझे यह लगता है कि बिहार की जनता बहुत बड़ी उम्मीद से उनको चुना था। आज बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस करती है। आज मुझे लगता है चाहे शराबबंदी कानून का जो मजाक उड़ाया जा रहा है या जो पैरेलल नेटवर्क तैयार हो रहा है, अगर आम जनता जानती है तो मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं ऐसा तो नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री जानते हुए नहीं बोल रहे हैं तो दो ही कारण होगा, या तो वो बेबस होंगे या उसके स्टेक होल्डर होंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार के ऐसे बेबस मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और जिस तरह से आपस में अलायंस में भी खींचातानी चल रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली, कब तक ये कुर्सी की जोर से सरकार चलाएंगे आप। तो मुझे लगता है कहीं बिहार मध्यावधि चुनाव की तरफ ना जाए। और मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा भी है कि अपनी तैयारी उसी तरह से करना है। अब देखिए आगे विधान पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये कहा